कुछ लोगों के लिए ये कमरा उनका भयानक सपना साबित हो सकता है। इस काले पर्दे के पीछे जानलेवा मकड़ियां हैं, थोक के भाव में। और आज ये करेंगे कि हम इन्हें गुस्सा दिलाएंगे, थोड़ा परेशान करेंगे, और फिर जो वेनम ये अपने लंबे डंकों से छोड़ेंगे, हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। मैं कभी भी इससे ज्यादा इस फनल वेब स्पाइडर के पास नहीं जाना चाहूंगा। और हम ये बिल्कुल एक नेक इरादे के लिए कर रहे हैं। ये है एक फनल वेब स्पाइडर, ये सिडनी में मिलते हैं, जो वैसे देखें तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों में से एक है। ये जमीन के अंदर बिल बनाते हैं, जो अलग से दिख जाता है इनके फनल शेप जैसे मुंह के आकार की वजह से, इसीलिए इसे फनल वेब कहते हैं। पर क्योंकि ये ठंडे अंधेरे वाले इलाके में सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए इंसानों से इनकी मुठभेड़ होती रहती है। होता ऐसा है कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान मेल स्पाइडर अपने बिल से निकलता है और फीमेल स्पाइडर की तलाश में आसपास घूमता रहता है, पर सिर्फ रात में। कभी तो वो कुछ ज्यादा ही घुमक्कड़ हो जाता है और अपने बिल से बहुत दूर निकल जाता है। फिर जब सुबह होती है और रोशनी आ जाती है, तो वो अपने बिल में वापस जाने के लिए उससे बहुत दूर आ चुका होता है। इससे ये थोड़ा परेशान सा हो जाता है और दिन में छुपने के लिए एक टेम्पररी घर ढूंढने लगता है। ऐसे में ये सुरक्षित अंधेरे वाली जगह या चीजें ढूंढने लगता है, जैसे कि कपड़ों का पड़ा हुआ ढेर या ग्राउंड पर पड़े हुए जूते। इसीलिए आप ऑस्ट्रेलियंस को शूज पहनने से पहले आपस में उन्हें फटकारते हुए पाओगे। पर अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही और ये आपको काट गए, तो दर्द बहुत होगा, क्योंकि इनके डंक 1 सेंटीमीटर जितने लंबे हो सकते हैं, जो कि कई सांपों से भी ज्यादा होता है। वेनम तेजी से फैलता है और बहुत जहरीला होता है। हम सिर्फ नरों को पालते हैं क्योंकि वो 6 गुना ज्यादा जहरीले होते हैं। नर स्पाइडर्स के वेनम से हाई क्वालिटी का एंटी वेनम बनता है। तो जो एडल्ट सबसे जल्दी इस फनल वेव वेनम से मरते हुए देखा गया है, वो 76 मिनट के अंदर था, 1 घंटा के आसपास। ये रियली बहुत जल्दी असर करने वाला जहर है। आम हालातों में आप फनल वेब से काटे जाने पर आप शांत स्थिर रहकर मोबिलाइजेशन बैंडेज लगाकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहोगे। इनका वेनम कई प्रोटीन के मिक्सचर से मिलकर बनता है, खासकर डेल्टा हेक्साटॉक्सिन। जैसे ही आपके नसों में पहुंचता है, आपको सूजन, लार, झटके और गूज बम्स आने लगते हैं, क्योंकि ये नर्व सेल्स न्यूरॉन्स पर अटैक करता है। नॉर्मल कंडीशन में न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरॉन्स को आयन गेट खोलने के लिए ट्रिगर करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयन्स अंदर आते हैं। अचानक नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होना न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक से दूसरे न्यूरॉन्स में पहुंचा देता है। फिर आयन गेट्स बंद हो जाते हैं और सेल पुरानी स्थिति में चला जाता है। लेकिन फनल वेब वेनम इन्हीं गेट्स को बंद होने से रोक देता है। अब न्यूरॉन्स पूरे नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर्स की बाढ़ ला देता है, एड्रेनालाइन की तरह। इसीलिए मांसपेशियां, जो आमतौर पर नियंत्रण में होती हैं, तेजी से अज्ञात संकेत प्राप्त करने लगती हैं, जिससे उनमें तनाव या ऐंठन आने लगती है, जो हृदय के लिए बुरा साबित होता है। वो और तेजी से ब्लड पंप करके वेनम को जल्दी पूरे बॉडी में फैला देता है और कुछ देर में आपकी बॉडी से न्यूरोट्रांसमीटर्स खत्म हो जाएंगे। उनके बिना न्यूरॉन्स मसल्स को नहीं बता सकते कि उन्हें क्या करना है। आप पैरालाइज हो जाओगे और कुछ समय की ही बात है कि आपका हृदय या फेफड़े घुटने टेक देंगे। मनुष्य कुछ ज्यादा ही बदकिस्मत है। फनल वेब वेनम ज्यादातर स्तनधारियों पर ज्यादा असर नहीं करता। अगर आपके कुत्ते, बिल्ली या खरगोश को एक नर स्पाइडर, मतलब एक नर वाला भी काट लेता है, तो भी उसमें बहुत कम सिम्टम्स दिखेंगे। वही अगर वो स्पाइडर आपको काटा, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वेनम बहुत ज्यादा स्पीसीज स्पेसिफिक है। डेल्टा हेक्साटॉक्सिन सोडियम आयन चैनल्स की कुछ स्पेसिफिक साइट्स पर ही अटैक करता है, जहां ये तबाही मचाता है, और वही जगह मैमल्स में होती ही नहीं है। ह्यूमंस के लिए इसके जहर का जानलेवा होना एक इत्तेफाक ही है। ये सिर्फ इन्वर्टेब्रेट्स और प्राइमेट्स पर हमला करते हैं, जो इनका शिकार होते हैं। ये मंकीज और एपीज के लिए काफी जहरीला होता है, और हम लोगों पर तो इसके जहर का बुरा असर होता ही है। पृथ्वी पर पहला मनुष्य लगभग 70,000 साल पहले आया था, पर ये स्पाइडर यहाँ 4 करोड़ साल से है, और ये मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये बहुत ही बुरा संयोग निकला है कि जो जहर इंसेक्ट्स को मारने के लिए डेवलप हुआ था, वो हमारे लिए जानलेवा निकल गया। यहां ऑस्ट्रेलिया के रेप्टाइल पार्क में लोग फनल वेब स्पाइडर से हमारी जान बचाने के लिए एंटी वेनम बनाते हैं, जिसे बनाने के लिए इन्हें दर्जनों स्पाइडर से वेनम निकालना पड़ता है। हम लगभग हमेशा ही इसे चलाने के लिए पब्लिक डोनेशंस पर ही निर्भर रहते हैं। यहाँ मौजूद ज्यादातर स्पाइडर्स तो लोगों ने खुद ही यहाँ अपने आप दिए हैं।
जो उन्हें अपने कपबोर्ड, बैकयार्ड या स्विमिंग पूल जैसी जगह पर मिल गए थे। आपने सही सुना, ये स्पाइडर्स पानी के अंदर रह सकते हैं, वो भी लगभग 30 घंटों तक। ये ऐसा अपने पेट पर लगे बालों में ऑक्सीजन बबल्स को ले जाकर करते हैं। तो अगर आपको अपने स्विमिंग पूल के तल पर एक फनल वेब स्पाइडर दिखे तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो जिंदा ही हो। हमारे लिए अच्छा होता है अगर यहाँ आने वाले स्पाइडर्स पहले से ही एडल्ट हो गए हो। जो बिल्कुल मैच्योर एडल्ट होते हैं तो हम उन्हें डायरेक्ट मिल्क कर सकते हैं। ऐसे हमें उन्हें बड़ा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। ऐसे एडल्ट स्पाइडर्स को हम कुछ समय के लिए मिल्क करते हैं। इसे ऐसे करते हैं, पहले उसे जरा छोड़िए। ये फनल है। ये फनल वेब स्पाइडर की एक बचाव प्रतिक्रिया होती है। ये इसे हवा में ऊपर उठकर डंक दिखाते हैं। कभी कभी ये अपने डंकों पर वेनम की बूंदे भी गिरा देते हैं। इसी समय हम एक छोटा वैक्यूम लेकर आ जाते हैं। इसे आपको एक पेंसिल की तरह पकड़ना है और फिर डंक के ऊपर ले जाकर के सहलाना है। लगता है मैंने थोड़ा निकाल लिया है। ये गई एक बड़ी ड्रॉप। बस हो गया, फनल वेब स्पाइडर के इतना ही करीब जाना चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। हम हर दिन लगभग 50 स्पाइडर का वेनम निकालते हैं। अगर आप हर स्पाइडर से कम 4-5 ड्रॉप भी वेनम निकालने की बात करते हो तो भी दिन का 250 ड्रॉप्स वेनम का निकलता है। यहाँ इस पिपेट में जितना भी वेनम है वो लगभग शायद एक दर्जन वयस्क व्यक्तियों को मारने के लिए काफी है। एक वायल एंटी वेनम बनाने के लिए इन्हें 150 स्पाइडर्स का वेनम हाथों से निकालना पड़ता है, जिसमें 12 घंटे लगते हैं। एक इंसान की जान बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा काम। हाँ, सीधे 12 घंटे, पर ये शायद जायज भी है। तो वेनम को फिर फ्रीज कर मेलबर्न की लैब में भेज दिया जाता है। यहाँ ये रैबिट्स में डाला जाता है। अब भले ही ये रैबिट्स के लिए इंसानों जितना हानिकारक नहीं होता है, फिर भी कम डोज से ही शुरुआत होती है। समय के साथ जब 6 महीने बाद रैबिट इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है तब डोज बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही ये लीथल डोज का 6 गुना ज्यादा झेल पाते हैं तब इनका ब्लड कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर एंटीबॉडीज अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज पर उसे घुमाते हैं। रैबिट की यही एंटीबॉडीज होती हैं जिससे जान बचाने वाला एंटी वेनम बनता है। रैबिट और हम इतने क्लोज होते हैं कि उनकी एंटीबॉडीज हमारे शरीर में भी फनल वेब वेनम को न्यूट्रलाइज कर सकती है। हर साल लगभग 40 लोगों को ये स्पाइडर काटता है, ज्यादातर सुबह अपने शूज ना चेक करने की वजह से। सुखद बात है कि इस प्रोग्राम के चलते 1981 से कोई स्पाइडर से नहीं मरा। तो लगभग 40 साल हो गए हैं, हमने इन स्पाइडर्स को किसी इंसान की जान लेते नहीं देखा।